हर हर महादेव दोस्तों। तो आप सब लोग कैसे, मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो आपका स्वागत है सरिता चौधरी व्लॉग्स में। और तो आज की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9:30 बजे से, और धूप आ चुकी है तो मैंने बाल उठ बना दिए हैं, थोड़ा बिस्तर समेटना बाकी रह रखा है तो फटाफट समेटते हैं। मैंने खाना खुना भी बना दिया है और बिस्तर समेटते हैं फटाफट। आजकल बहुत ठंड हो रही है, अब कुछ दिनों में बर्फ़ भी पड़ जाएगी। अभी पता नहीं पर पड़ जाएगी क्योंकि ठंड बहुत लग रही है। तो अब थोड़ी देर में खाना खाती हूँ और पहले गौशाला जाती हूँ गोबर निकालने के लिए, फिर उसके बाद खाना खाते हैं। और कपड़े भी धोने रखे हैं, कल के जो बेडशीट थी वो मैंने कल भिगो दिए थे तो आज धोती हूँ उनको। और आजकल पता नहीं मैं कितना जो खून लग गया, तो चलते हैं फिर। छोने की कहानी तो ए छोना की कहानी तो छमला भी नहीं मिमी को आ दे अतो भीतर कुछ था दादी दादी तो ओची ओ ओची दादी। हेलो गाइस, बोल दो कैसे हो, बोल। 10 बजे हाँ चल, तो की बने तुम्हार साइकिल बने बोली मैं छमला भिंदी मैं कहा नहीं नहीं बहुत अच्छी लड़की थी मैं छोना। हाँ इस्माइल बाय बाय ना तुम खेली ए बच्छंती कहने वाली मैं बच्छंती। अरे ते का बांज के ले दी बोला बारी ते का तो घास नहीं और सो नी नी बच्छंती मैं प्यारी जी रे मैं प्यारी 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 तू ये दे दे चल तो मैं अभी लेके आती घास हूँ और बनवा। तो मैंने गोबर भी निकाल दिया है, 1 घंटा लगा हुआ है गोबर निकालने में क्योंकि मैं 7-8 दिन में निकालती हूँ ना एक बार, तो 1 घंटा लग गया हुआ है गोबर निकालते कर निकालते। और ये खोल रखी थी मैंने, परेशान करके रख दिया, इधर भाग रही उधर भाग, हाथ में बिल्कुल नहीं आई। और फिर उसके बाद अंदर गई लास्ट को मैं और फिर उसको पकड़ दिया। बड़ा मजा आया यार इसके साथ भी। तो चलते अब घर, हाथ सूख गए सारे। और चलो फिर चलते हैं, पापा आ गए हैं बकरियों के साथ से। तो ये है हमारी बकरियां आ गई जंगल से, बड़ा समझदार है। मोड़ानु मैं अखीर डालता था आराम से। हमें तो यहाँ पे कर रखा है गोबर सारा जमा, इसको डालेंगे हम खेत में। और इस पे तो संतरे कुछ और कहते, वो हमने जब हमारे गांव में पार लगाए थे तो उनको दिए थे हमने इसमें से पेड़ से निकाल के। तो अभी इसमें 1-2 बच्चे हैं, ज्यादा नहीं है, तो फटाफट डालते हैं हम। कितना बेकार हो रखा है रास्ता, बहुत छोटा रास्ता है ना, और ऐसे हो रहा भैया, मुश्किल से आना पड़ रहा है और गीला भी है नीचे, तो ये पत्ते हैं ना ये ऐसे इसमें गिर जाएंगे कोई। वो तो मैं अच्छे संभाल के आ रही हूँ इसलिए चोट बच जाएगी, वरना कैसा है बारीक रास्ता है और उसमें ओस गिर रखी है ना तो गिरने का डर भी है।
मैंने गोबर डाल दिया था और उसके बाद भाभी ने बोला कि चाय पी के जा, तो मैं वहाँ पे बैठ गई और उनका शादी का एल्बम भी देखा, क्योंकि अब आ रहा उनका शादी आ गया था पर उनके उनके पास नहीं आया, मैंने यहाँ नहीं आया था, गोचर आ गया था। तो उसके बाद हमने बहुत देर तक एल्बम देखा और चाय चुई पी, और उसके बाद मैं आ गई थी घर। फिर उसके बाद मैंने रात भी पड़ गई थी क्योंकि बहुत देर तक रही मैं वहाँ नीचे, और उसके बाद गाय को घास उस दे करके आ गई थी घर। उसके बाद खाना खुना बनाया और खाना खा के आ गई मैं ऊपर। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ताकि जो मेरी नई नई वीडियो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।